चुनावी दौर में पार्टियों के बीच सियासत जारी है, जिसके चलते रायपुर के भाजपा कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसके चलते उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने के वादे को लेकर चर्चा की है और कांग्रेस पर निशाना साधा। शर्मसार करने का और बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के नाम पर पूरे देश को गुमराह करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कल शाम को सनसनीखेज आरोप भूपेश बघेल जी के खिलाफ में आए हैं कि महादेव ऐप सट्टा के 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिए गए हैं। पहले ही शराब घोटाला, कोयला घोटाला, धान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, जंगल घोटाला, जमीन घोटाला, घोटालों की फरहिस्त है। और अब तो छत्तीसगढ़ के 20 लाख युवाओं का, उनको सट्टे में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद करना और उस सट्टे के पैसे को चुनाव के लिए लगाना, ये तो एक आपराधिक षड्यंत्र है। और उसके बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी या उनके साथियों को किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। राहुल गांधी जी भी आज रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, जरा वो जवाब दें। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है, शुभम सोनी ने ईमेल के माध्यम से जो अपना बयान दिया है और उस बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अभी तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब जब, अगर आपको याद होगा तो 25 अगस्त को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें मैंने कहा था कि ये महादेव ऐप सट्टा को चलाने वाले लोग दुरुग भिलाई से ही क्यों जुड़े हुए हैं। मैंने पहले ही शंका जारी कर दी थी कि इसके तार प्रदेश के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए लोगों के गिरेबान तक जाएंगे। आज 3 महीने बाद ये बात साबित हो गई है। और जब पहली बार महादेव ऐप सट्टा का मामला आया था तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी महादेव ऐप सट्टा का हिस्सा मिल रहा है। शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास इनके पास में पैसा पहुंचाता था, जो भिलाई में पैसा पकड़ा गया। और 2 दिन पहले ही होटल ट्राइटन में असीम दास के पास से पैसा जब्त हुआ। और जब पुलिस ने जांच की, ईडी ने जांच की, तो 15.5 करोड़ रुपए वर्तमान में भूपेश बघेल जी को देने के लिए बैंक के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। पहले कितने किए गए, भविष्य में कितना किया जाना है, वो एक अलग विषय है। और असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया है कि दुबई के आदेशानुसार वो पैसा पहुंचाता था,
और उसे आदेश हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा पहुंचाना है। और असीम दास ने यह भी कबूल किया है कि जो पहले के दो नाम चल रहे थे उसके अलावा ये जो शुभम सोनी है ये भी महादेव ऐप सट्टा के प्रमुख लोगों में इसकी गिनती होती है, ये तीसरे नंबर का व्यक्ति है। ये कहा है क्योंकि हम कांग्रेस का, इनकी सरकार का, शासन प्रशासन का, प्रमोटर्स संरक्षण और सहयोग चाहते हैं, इसलिए हम उनको पैसा दे रहे हैं। चंद्रभूषण वर्मा जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अभी तक 65 करोड़ रुपए ब्राइब के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का पैसा प्राप्त कर चुका है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने अभी तक अपने सर्च में 450 करोड़ रुपए के प्रोसीज ऑफ क्राइम को बरामद किया है। शायद भारत के चुनावी इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। कि गरीब गरीब नौजवानों का पैसा लूटकर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पवित्र महोत्सव में इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। अगर इसके बाद कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी शर्म है, अभी तक जो काम हो जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस्तीफा ले लिया जाना था। शुभम सोनी ने असीम दास को एक वॉइस मैसेज भेजा है जो ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है। भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल और क्या बोलते हैं मेरे को ना भयंकर काल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए, तो तू एक काम कर वहां निकल, मैं तेरे को वहां पर रायपुर के ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर छोड़वा देना बघेल जी के पास, ठीक है? और क्या बोलते हैं एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम बंद ना हो अपना कोई, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में, अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, ना तो हो नहीं हो पा रहा है। ये उनका वॉइस मैसेज है, ये ईडी की चार्जशीट की कॉपी है जिसमें इस बयान को रखा गया है। अब इसके बाद और क्या बचता है कि अवैध कामों से छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर चुनाव लड़ने के लिए अपराध से अर्जित किए गए पैसे को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव में उपयोग करने का पाप अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो चाहेंगे कि इसमें इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और क्योंकि अपराध के पैसे और अवैधानिक पैसे का उपयोग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को चुनाव से बाहर करेगा?